हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेस और टैक्स में क्या अंतर है। आपने देखा होगा बहुत से सेस लगते हैं, एजुकेशन सेस लगता है, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस लगता है, कृषि कल्याण सेस लगता है, स्वच्छ भारत सेस लगता है। तो एक्चुअली फर्क क्या है सेस और टैक्स में? तो आपकी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस एंड उसी का ये पार्ट है। एक स्टडी मटेरियल अपलोड किया गया है। अगर आपने खुद को फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए रजिस्टर किया है देन आप लॉग इन करके स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की एक ई बुक हम अपलोड कर रहे हैं। वो ई बुक हम छोटे छोटे पार्ट्स में अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग इजिली डाउनलोड कर पाए, क्योंकि वो ई बुक एक्चुअली 500-600 MB की है, तो वो एक साथ डाउनलोड करना पॉसिबल नहीं है। एंड एक साथ इतनी बड़ी पीडीएफ जब आप अपने फोन या लैपटॉप में ओपन करेंगे तो लैपटॉप या फोन हैंग भी होने लगता है। इतनी बड़ी फाइल को प्रॉपरली पेजेस जो है वो चेंज नहीं हो पाते हैं एंड आपका जो स्क्रॉल बार होता है वो हैंग कर जाता है, तो आप प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए उस बुक को हमने 6-7-8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हम कोशिश करेंगे आने वाले 2-3 दिनों में आपको सारे पार्ट, या एक पार्ट पर डे ऐसा कर लेते हैं, एक पार्ट पर डे हम अपलोड कर देंगे। एंड फिलहाल फर्स्ट पार्ट अपलोड हो गया है, आप उसको पढ़िए। जो ये ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है बाई एस पी बख्शी बुक है, अगर आप चाहते हैं तो आप खरीद लीजिए। लेकिन जैसा कि एजेंडा है हमारा फ्री कोचिंग का, तो कोशिश ये है कि आपको कोई भी स्टडी मटेरियल परचेज ना करना पड़े। सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, इस पर रीडिंग मोड एक्टिवेट करिए एंड पढ़िए ताकि आपकी आंखों पे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड कोशिश करके जो बुक दे रहा हूं मैं एस पी बख्शी की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, इसके 8 पार्ट्स हैं, आप पूरी की पूरी बुक एक बार दो बार सॉल्व कर लीजिए। उससे होगा क्या कि उस बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, कोई बाहर के क्वेश्चंस उसमें नहीं है। तो आप प्लीज वो बुक डाउनलोड करें एंड पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि सेस एंड सेस क्या है, CESS, एंड टैक्स क्या है, TAX टैक्स। टैक्स तो आई थिंक सबको पता होगा, सेस भी आई होप कुछ लोगों को पता होगा, या मे बी कंफ्यूजन हो। तो देखिए टैक्स क्या होता है, टैक्स लगता है आपकी इनकम के ऊपर एंड सेस लगता है आपके टैक्स के ऊपर। ठीक है, मेन डिफरेंस तो ये है कि सेस जो है आपकी इनकम पे नहीं लगता है, सेस आप जो टैक्स पे कर रहे हैं उस पर लगता है। अभी सपोज क्या है कि आपकी इनकम है 5 लाख रुपीज, ठीक है, 5 लाख रुपए आपकी इनकम है, तो 2.5 लाख क्या होता है, 2.5 लाख रुपए आपको टैक्स में छूट मिलती है। ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। देन आपको टैक्स पे करना पड़ता है रिमेनिंग 2.5 लाख पे, 2.5 लाख पे आपको छूट मिली, 2.5 लाख रिमेनिंग पे आप टैक्स पे करेंगे। ठीक है, अभी सपोज करते हैं 2.5 लाख में से 1.5 लाख आपने क्या कर लिया, टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा लिया, तो आपको अब टैक्स पे करना है कितने पे, सिर्फ 1 लाख रुपए पे। अभी इस 1 लाख पे मानो 5% टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, तो 1 लाख का 5% हुआ 5,000 रुपए, 5,000 रुपए आया आपका टैक्स। अब जो सेस लगेगा ना वो इस 5,000 रुपए पे लगेगा। तो जैसा कि आपने बजट में पढ़ा होगा कि इस बार जो एजुकेशन एंड हेल्थ का जो सेस है वो 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है, तो 5,000 का 4% आप के ऊपर एजुकेशन सेस लगेगा, तो ये आता है 200 रुपए। ठीक है, तो 200 रुपए आपके और हो गए, तो आपको जो टोटल टैक्स देना होगा वो 52 रुपए देना होगा आपका टैक्स एंड सेस मिलाकर। तो बात ये है कि टैक्स आपकी इनकम पे लगता है बट जो सेस लगता है वो आपके टैक्स पर लगता है। एंड टैक्स जो होता है वो क्या होती है, गवर्नमेंट की इनकम होती है, फिर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है कि उसका इस साल इतना कलेक्शन आया, देन उस डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में कहाँ खर्चा करना है, डिफेंस में कितना करना है एंड बाकी सेक्टर्स में कितना करना है, आईटी में कितना करना है, कम्युनिकेशन में कितना करना है। ठीक है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, अपने बजट में बताती है नेक्स्ट ईयर कि इतना कलेक्शन हुआ और उसमें ये डिवाइड हुए, रेलवे में हम ये काम करेंगे। लेकिन जो सेस होता है ना उसका एक मकसद होता है, ये किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता होगा स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते, जैसे एजुकेशन सेस, ठीक है, EDUCATION, कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ी हो तो माफ करिएगा। एजुकेशन सेस जो है एक मकसद, सपोज गवर्नमेंट ने बनाया कि 2025 तक हमें
100% जो है वो लिटरेसी इंडिया में प्राप्त करनी, लिटरेसी रेट इंडिया का 100% होना चाहिए। और इसमें जो खर्चा आएगा इसके लिए गवर्नमेंट ने सेस लगा दिया, 4% एजुकेशन सेस। ठीक है, तो ये सिर्फ तब तक लिया जाएगा जब तक गवर्नमेंट वो लक्ष्य अपना प्राप्त ना कर ले। ठीक है, जब तक वो मकसद पूरा ना हो जाए, जब तक वो स्पेसिफिक पर्पज जो है गवर्नमेंट अचीव ना कर ले, तब तक ही वो सेस दिया जाता है। ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। तो सेस क्या होता है, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, और उससे जो अमाउंट कलेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर खर्चा होता है जिस चीज के लिए वो कलेक्ट किया गया है। और कृषि कल्याण सेस जैसे है जो किसानों के लिए है, तो जो कृषि कल्याण सेस लगता है उससे जो अमाउंट आता है वो किसानों के हितों के लिए खर्चा किया जाता है। अब वो पॉलिसी मेकिंग में हो, उनके लिए कुछ प्रोवाइड करना हो, उनको बेटर सुविधाएं प्रोवाइड करना हो, उनको अच्छा फसल का मूल्य देना हो, तो इन सब चीज़ों में वो खर्चा किया जाता है। इसी तरह जो स्वच्छ भारत सेस है वो स्वच्छ भारत अभियान में खर्चा किया जाता है कि सपोज गवर्नमेंट ने टारगेट रखा कि 2030 तक ये क्लीनलीनेस का लेवल इंडिया को अचीव करना है। ठीक है, तो उसके लिए उसने स्वच्छ भारत सेस लगाया। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2030 तक उसे ये अचीव करना है। तो वो सेस सिर्फ तभी तक लिया जाएगा जब तक कि वो स्पेसिफिक पर्पस अचीव ना हो जाए। तो ये होता है सेस एंड टैक्स में अंतर। सेस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, टैक्स नॉर्मल होता है कि आपका टैक्स लगता है, एंड देन टैक्स जो होता है, जो सेस होता है वो टैक्स के ऊपर लगता है। ठीक है, एक चीज और होती है यहां पर मैं क्लियर कर दूं आपको, वो होती है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद लगता है। मोस्टली लगता है ये धनी लोगों पर या ऐसी चीजों पर जिनकी एक कॉमन मैन को जरूरत नहीं होती है। ठीक है, स्पेसिफिक चीजों पर। ठीक है, जैसे कर दिया कि मान लिया 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम के लोग जो टैक्स देंगे वो 30% देंगे अपनी इनकम का, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर की इनकम वालों पर 15% सरचार्ज लगेगा। ये फ्लैट सरचार्ज हो गया कि भाई आप अमीर हैं, आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% आपको सरचार्ज और देना होगा, 30% टैक्स एंड 15% सरचार्ज देना होगा। तो सरचार्ज क्या होता है, एक फ्लैट अमाउंट होता है। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट की इनकम में जाता है, एंड वो एक मेनली वो हर चीज पर नहीं लगता है, वो रिच लोगों पर लगता है या ऐसी चीजों पर सरचार्ज लगता है जिसका उपयोग गवर्नमेंट रोकना चाहती है। ठीक है, सपोज गवर्नमेंट गुटखा का तंबाकू का उपयोग रोकना चाहती है तो उस पर सरचार्ज लगा सकती है कि गवर्नमेंट ने 50% सरचार्ज लगा दिया तंबाकू और गुटखा पे। क्यों? क्योंकि ये नीड नहीं है किसी की, कॉमन मैन की नीड नहीं है, इवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अब जो आपका 5 रुपए का था गुटखा वो 7.5 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पान मसाला पे लगा सकती है सरचार्ज। तो जो एक कॉमन मैन की नीड नहीं होती है, जिसको इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं होती है, या फिर इनकम पे जो बहुत ज्यादा होती है, एक स्पेसिफिक लेवल से ऊपर इनकम होती है जो बहुत ही रिच लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो इनकम, उन पे सरचार्ज लगाया जाता है। तो ये हुआ आपका सेस, टैक्स एंड सरचार्ज। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड स्टडी मटेरियल आपको मैंने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। लॉगिन कीजिए अपना अकाउंट एंड स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करिए। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट बुक दिया है, एंड एक और चीज की वीडियोस आपके स्टडी मटेरियल के जो टॉपिक से रिलेटेड है वो भी आना एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जो डिस्कशन पोर्टल है जो आप डिस्कशन कर सकते हैं अदर यूजर्स के साथ, वो भी आने वाले 4 से 5 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, ताकि अदर यूजर्स के साथ अपने क्वेश्चन डिस्कस कर पाएं। एंड एक चीज हम और सोच रहे हैं कि फैकल्टी सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाए, कि कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है तो आप फैकल्टी से पूछ सकें, एंड आपको वहीं अपने अकाउंट में ही उसकी जानकारी मिल जाए, फैकल्टी जो भी आंसर करे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, एंड प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, एल्स आपको वीडियो के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। थैंक यू।